एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगी एबीएस के फीचर्स के बारे में। एबीएस टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स में क्या होता है, ये ब्रेकिंग सिस्टम कैसे काम करता है और ये क्या होता है, इसकी डिटेल मैं आपको आज इस वीडियो में दूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम बात करेंगे टू व्हीलर्स में एबीएस सिस्टम के बारे में। यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने एक बाइक ली है, 250 सीसी पावर है, काफ़ी हाई सीसी पावर है ये। तो इसमें एबीएस जो है ब्रेकिंग सिस्टम, इसको फुल फॉर्म की बात करें तो एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम होता है ये, जो आपके ब्रेक्स होते हैं उनको बहुत सेफली यूज़ करता है, जिससे एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर हम आज की जनरेशन की बात करें तो आजकल लोग स्पीड में काफ़ी रहते हैं, स्पीड लोगों को बहुत पसंद है, रेसिंग पसंद है। ऐसे में जो एक्सीडेंट्स हैं उनके जो चांसेस हैं, जो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो ब्रेक ना लग पाने के कारण होते हैं। तो ऐसे में एबीएस कैसे काम करता है और इससे हम कैसे एक्सीडेंट्स को 99% रोक सकते हैं, और कंपनी ने ये नया फीचर कैसे दिया है, आज मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। तो ये जो एबीएस होता है, जब डिस्क ब्रेक से गाड़ी, अगर हम हाईवे पे हैं, स्पीड में हैं, हम सडनली रोकते हैं, तो इससे जो टायर होते हैं वो जाम होके गाड़ी स्किड करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऐसे में जो सेंसर होते हैं, ये गाड़ी की जो गति होती है उसमें जो स्पीड है और जो स्टॉप है उसके इंटरलेंस को मेंटेन करता है, जिससे जो गाड़ी है उसके स्किड होने के चांसेस कम हो जाएं। ऑल ओवर एबीएस एक ऐसा फीचर है जो हमारे जो टायर्स होते हैं उनको ब्रेकिंग, इमरजेंसी ब्रेकिंग में स्किड होने से बचाता है। सो फ्रेंड्स, फॉर मोर वीडियोस प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।